कि हम अच्छे कर्म करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों का मदद करें, अगर आप उस लायक हैं। अपने फंस के दो लाइनों गाना अभी मत गवाओ भाई, मेरा गला बहुत फंसा हुआ है, मैं 4 दिन से लगातार गा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा। कभी फिर कभी इंटरव्यू राम के साथ करेंगे तो हम करेंगे। ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आपने इतना प्यार दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस प्यार को रोकिए मत। आप सबके प्यार आज भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना बड़े मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि हिंदी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारा सिनेमा नहीं चल रहा है और भोजपुरी चल रहा है। इससे समझ में आता है कि हमारी भोजपुरी कितनी आगे है। ऐसा ही कोशिश अगर आप लोग करिएगा तो थिएटर इससे भी ज़्यादा खुलेंगे, और खुल के एक नया कीर्तिमान पैदा होगा कि नहीं हिंदी नहीं, हमारा भाषा, अपने भाषा के लिए जितना आप कर सकते हैं, हम तो सिर्फ भाषा के लिए काम करते हैं, लेकिन उस काम को यहाँ तक ले जाने में आप सबका बहुत योगदान की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, आज आप पटना बिहार में हैं और लिट्टी चोखा जोर शोर चल रही, पब्लिक का ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहना चाहे, सिनेमा हॉल पे जाने वाले थे। और सबसे पहले दशहरा की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि माता रानी ने सबको कोरोना काल से बचा के आप सबको हमारे बीच में रखा है, ये हमारे लिए हमारा सौभाग्य है जो हमारी जनता आज भी सुरक्षित हैं और खेसारी को प्यार देने के लिए हॉल तक आ रही है। तो लिट्टी चोखा से जुड़े हुए सारे कलाकारों को मेरा ढेर सारा शुभकामना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर बुकर से लेकर हर आदमी का जो प्यार मुझे मिला है, उस प्यार के लिए मैं गदगद हूँ और आजीवन आप सबका कर्जदार हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा कर्जदार अपने जनता का हूँ, जो कि इस कोरोना काल से उभरने के बाद जो मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई है, आप सबको दिल से प्रणाम। कि इतना मोहब्बत आपने अब किसके लिए दिखाया मुझे पता नहीं, लेकिन खेसारी के लिए जो आपने मोहब्बत दिखाया उसका मैं आजीवन आप सबका कर्जदार रहूँगा। सिनेमा हॉल से पब्लिक निकलती है और आपके नाम के जयकार करती रहती है, और अब कितने फैंस को आपको मोबाइल में फोटो वॉलपेपर लगा के दे दिए, भाई मैं लगाया हूँ, क्या करें। देखिए उनका प्यार है, वो मुझे कभी दिल से अलग नहीं कर पाते हैं। उनका रीज़न है कि उनको पता है कि ये हमारे बीच का लड़का है। क्योंकि देखिए आज अपर क्लास, मुझे लगता है कि अपर क्लास के लोग बहुत कम ही से सिनेमा देखते हैं, ज़्यादा करके हमारे जो ठेला वाले हमारे भाई हैं, जो किसान हैं, जो हमें दिल में रखते हैं, तो उनको पता है कि हमारे बीच का हमारा बेटा गया हुआ है हीरो बनने, हमारा बेटा काम किया है सिनेमा में। तो सब लोग अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा ही समझ के मुझे प्यार देते हैं, और मैं इसमें बड़ा खुश रहता हूँ कि मुझे हीरो नहीं, मुझे लोगों का बेटा बनना है, लोगों का भाई बनना है। हीरो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं हीरो बनना चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूँ लोगों के दिल में और उनका बेटा बन के आजीवन उनका प्यार आशीर्वाद लेते रहूँ। बम्पर ओपनिंग पहला दिन से लेके अब तक एकदम पब्लिक मेला लगाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे। यही तो खुशी की बात है जो बहुत दिन बाद ऐसे नज़ारा देखने को मिला है, और हमारी जनता ने बताया कि अच्छी सिनेमा लेकर आओगे आप तो हम आपके लिए घर क्या शहर छोड़कर आ जाएंगे। और एक अच्छी सिनेमा लगातार मेरी चोरी चोरी चुपके चुपके बाप जी ये इसके बाद आस की लगातार सिनेमा हमारी जो है हर जगह अच्छी बिजनेस भी कर रही है और लोगों का प्यार भी ले रही है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, चाहे हमें लगता है कि हम खेसारी लाल यादव हैं, तो भाई खेसारी को बनाने वाली है वो, खेसारी को इस कुर्सी तक लाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है, तो आप उसको बेवकूफ़ कैसे समझ सकते हो। वो मास्टर है, उन्होंने शिक्षा देकर, अपना प्यार देकर और बहुत सारी चीज़ों का सीख देकर आपको, चाहे वो IPS बना दिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी अधिकारी बना दे, आपको स्टार बना दे, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है और वो सब कुछ समझती है। ये जनता सब जानती है कि आप क्या जानते हो, तो ये ज़रूरी है कि हमें उनके दिल की बातें और अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें, अपने भाषा का कहाँ से भला हो सकता है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट और आपकी कहानी, आपके सिनेमा से लोगों को सीख मिलना चाहिए। उड़ उड़ के मारना ही हीरोगिरी नहीं होता है, अगर अपनी सलीनता से दो बातें और उस बातों से लोगों को फर्क पड़ता है, वही हीरोगिरी है कि आपको लोग फॉलो करते हैं। हम उड़ के मारें या हम फाइट करें या हम लड़की के पीछे भागें, ये कहानी का मतलब नहीं होता है। हमारे भागने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए किसी भी चीज़ के। अगर हम छपरा से पटना आते हैं तो हमारे पास कोई काम ज़रूर होना चाहिए, काम नहीं होगा तो हम ऐसे पटना क्या करने आएंगे, या तो हम कोई सामान खरीदने आ रहे हैं या तो हम, लेकिन उससे समाज का भला हो। हम सामान खरीदने वाले लोग नहीं हैं, हम जो चीज़ें देते हैं वो एक ऐसी वस्तु है कि उससे दुनिया को कुछ सीख मिलना चाहिए। हम सिनेमा नहीं, हम एक किताब बेचते हैं,
हम एक किताब बेचते हैं और उस किताब को पढ़ के, उस किताब को देख के अगर दुनिया को कुछ नहीं सीखने को मिले तो मुझे लगता है कि हमें किताब बेचने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें ठेला लगाकर रोज़गार करना चाहिए। तो हमें दुनिया ने इतना प्यार और मोहब्बत दिया है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम सब्जेक्ट हो, गाने हो, कॉन्सेप्ट हो या सिनेमा, किसी भी माध्यम से बन रहा है तो उसमें आप कुछ अच्छा ऐसा दे जाइए जिससे समाज का कोई भला। बिना सिनेमा आप जाने वाले थे, टाइमिंग भी सेट हो गया था, लेकिन आप नहीं गए प्रशासन ने। हाँ, मैं परवीन भी ऐसे बात मेरी, जब मैं मुंबई से चला तो मैं उसी के लिए आया भी था कि मैं थोड़ा सा पब्लिक के सामने जाना चाहता था। मेरी इच्छा होती है कि मैं हर सिनेमा में जाता हूँ ना, लेकिन प्रशासन का रोक लग गया कि नहीं खिसारी आप नहीं आ सकते। इसी की वजह से मुझे लगता है कि दशहरे में कोई कार्यक्रम मैं नहीं कर पाया प्रशासन की वजह से ही, कि मेरे को कहीं परमिशन ही नहीं मिली। क्योंकि अब जिससे भी बात करता हूँ तो कहते हैं कि नहीं भाई, आप आते हैं तो कुर्सी टूट जाता है, आप आते हैं तो ये हो जाता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, भीड़ कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है, वो हमारे लिए भीड़ नहीं है, वो लोगों का प्यार है जो अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि छठ में जो मेरी सिनेमा रिलीज़ हो रही है आज की, वो मेरे दिल के करीब है और उस कहानी को मैंने लिखा है तो, और सोची है मैंने कहानी, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगी और उसके लिए मैं ज़रूर आऊँगा। जी, बात करें जो फिल्म के निर्माता हैं प्रदीप शर्मा जी, उनके बारे में क्या कहेंगे, एक अलग सिनेमा बनाते हैं। प्रदीप शर्मा जी देखिए, कभी उन्होंने बजट के बारे में बात ही नहीं की मेरे से, जब भी मैंने सिनेमा उनके साथ किया है। वो ऐसे प्रोड्यूसर हैं, सारे लोग अच्छे हैं नो डाउट, क्योंकि सब लोग अच्छा फिल्म बनाते हैं, बट प्रदीप भैया का एक खासियत है कि कभी उन्होंने बजट की बातें नहीं की, क्योंकि कितना बजट लगेगा। उन्होंने बोला कि सिनेमा कितना अच्छा बनना चाहिए, ये बड़ा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि प्रदीप भैया एक कैपेबल इंसान है और वो पैशन के साथ सिनेमा बनाते हैं। उनको कहानी से भी लेना देना होता है और उनको करेक्टर से भी लेना देना होता है। तो जब तक आप कहानी पैसे के लिए सिनेमा बनाइएगा तो पैसा नहीं होगा, बिजनेस के लिए कोई सिनेमा बनाएगा तो पैसन वो सिनेमा नहीं बना पाएगा, तो फिर वो बिजनेस करने के लिए आएगा। लेकिन पैसन से सिनेमा बनाइएगा तो शायद आप अच्छा बिजनेस भी कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपने बेटे से खुद ही प्यार नहीं, लापरवाही के साथ आप अपने बेटे का परवरिश करोगे तो मुझे लगता है कि वो क्या बनेगा आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बेहतर स्कूल क्या हो सकती है वो हमेशा कोशिश कर सकते हैं, करते हैं कि इसको अच्छे शहर में पढ़ाया जाए, इसको अच्छा स्कूल दिया जाए। तो अच्छा स्कूल देने के लिए पैसे तो लगेंगे आपको, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा का इतना अच्छा रिपोर्ट भी है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, और आसकी में भी उन्होंने बहुत खर्चा किया और बहुत प्यार से आसकी को बनाया उन्होंने। परवीन जी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके बारे में क्या कहना, आपकी फिल्म रिलीज करते हैं पब्लिक। देखिए, फूल के बारे में क्या बोलूँ मैं, वो तो समझ लीजिए कि हम लोग एक तो पोस्टर हैं, लेकिन इस पोस्टर को इस कुर्सी से उठाकर और पूरे गांव में फैला देना ये छोटी बात नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, कंपनियों में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट सबसे ज़्यादा योगदान होता है उस दुकानदार का जो उस सामान को बेचता है, क्योंकि वही हमें पुश करता है, हमारी चीज़ों को दुनिया तक पहुँचाने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो परवीन भैया एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जो कि हम लोगों, हम सब सारे कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। पराग जी की बात की जाए, क्या कहेंगे? पराग जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छे इंसान हैं, और हमारी रिलेशन एक डायरेक्टर और हीरो वाली नहीं है, हमारा रिलेशन उनसे एक भाई, बड़ा भाई छोटा भाई का है। तो मैं किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ तो एक बड़ा भाई छोटा भाई का ही फ़र्ज अदा करके करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम स्टारडम अपनों में दिखाएंगे तो शायद वो सिनेमा नहीं बन पाएगी, इसलिए हमें एक छोटा भाई बन के काम करेंगे, बेटा बन के काम करेंगे तो शायद, मैं पहले भी बोला कि गोद में रहेंगे तभी कोई आपके लिए सोचेगा। तो हम जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, हम हीरो बन के नहीं, हम एक बेटा बन के, एक भाई बन के काम करते हैं, तो शायद इसीलिए स्मूथ हम लोग का काम हो जाता है। जी, लिट्टी चोखा के म्यूजिक की बात की जाए, काफ़ी देसीपन है इसी में, जो एक गाना है मोहल्ला माचिस हो गया जो बॉलीवुड सिंगर स्वाति सरगर जी ने गाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वाति बहुत अच्छी, प्रदीप जी की पुत्री हैं, हमारी भतीजी हैं, तो अच्छी गाई भी हैं वो, मोहल्ला माचिस हो गया, और उसमें सारे गाने बड़े कमर्शियल हैं और लोगों को अच्छा लगता है, तो इसीलिए शायद लिट्टी चोखा का ये इतना अच्छा रिजल्ट भी है, क्योंकि लोगों को हर चीज़ अच्छा लग रहा है, उसकी क्लाइमेक्स से लेकर, मेरा लुक चेंज से लेकर, उसमें सस्पेंस जो है उसको भी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं,
गाने की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, सब आर्टिस्ट की तारीफ़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ होने के लिए सबकी योगदान की ज़रूरत होती है। हम तो हैं, देखिए हम स्टीयरिंग हो सकते हैं, हम इंजन हो सकते हैं, लेकिन एक इंजन से चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी पार्ट जुड़ते हैं तब एक बड़ी गाड़ी रेडी होती है। तो सबका योगदान है, उस सीट का भी, सीट कवर का भी उतना ही योगदान होता है, उसी तरह के स्पॉट बॉय का भी उतना ही योगदान है हमारे सिनेमा के लिए। तो ठीक है, हमें दुनिया ने ऊपर रखा है, अपने प्यार में रखा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आपने इतना प्यार दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस प्यार को रोकिए मत। आप सबके प्यार आज भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना बड़े मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि हिंदी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारा सिनेमा नहीं चल रहा है और भोजपुरी चल रहा है। इससे समझ में आता है कि हमारी भोजपुरी कितनी आगे है। ऐसा ही कोशिश अगर आप लोग करिएगा तो थिएटर इससे भी ज़्यादा खुलेंगे, और खुल के एक नया कीर्तिमान पैदा होगा कि नहीं, हिंदी नहीं, हमारा भाषा, अपने भाषा के लिए जितना आप कर सकते हैं, हम तो सिर्फ भाषा के लिए काम करते हैं, लेकिन उस काम को यहाँ तक ले जाने में आप सबका बहुत योगदान की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।